हेलो एवरीवन, आई एम आकांक्षा फ्रॉम डू समथिंग एक्साइटिंग। आज का जो हमारा वीडियो है वो फिर से एक DIY है। एक्चुअली ये DIY पार्ट 2 है। लास्ट टाइम मैंने जो की होल्डर बनाया था उसी की मैचिंग का मैंने इस बार कुछ वॉल सेल्फ और उन पे कुछ फ्लावर पॉट्स की हेल्प से मैंने अपने वॉल को कुछ लुक देने की कोशिश की है, तो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एक 3 बॉटल्स को यूज़ किया है। मेरे पास 3 बहुत छोटे छोटे क्यूट से बॉटल्स आ गए थे रैंडमली। 2 बॉटल उसमें वाटर के हैं जो मेरी कुछ घर में लोग आए थे तो वो लेके आए, मुझे इतने क्यूट लगे मैंने उन्हें रख लिया। मैंने कहा मैं इनके साथ कुछ करूँगी, तो फिर मैंने देख सकते हैं आप, मैं इनको पेंट करूँगी। अभी मैंने टिश्यू पेपर की हेल्प से इसको टिश्यू पेपर को फैबिकोल और पानी के मिक्सचर के साथ अटैच किया है। और जो मेरी फिज़ की बॉटल थी, एक्चुअली मैंने गलती से उस पर ऑयल पेंट से पेंट करने की कोशिश की, और प्लास्टिक है तो ऑयल पेंट तो उस पर टिकने वाला नहीं था तो टेक्सचर अच्छा नहीं आ रहा था। फिर मुझे बाद में उस पर भी एक्रैलिक पेंट ही करना पड़ा। मैंने 3 बॉटल्स को सेम कलर में पेंट किया है। मैं जो वॉल सेल्फ क्रिएट करूँगी वो ब्लैक कलर की है। और ये जो मेरा वाटर सॉरी जो बॉटल से मैं वास बनाऊंगी, ये वास जो हैं वो मैंने येलो कलर में क्रिएट किए हैं, तो इनका जो कॉम्बिनेशन था ब्लैक एंड येलो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इनको कुछ पिंक और मर्जेंटा पिंक और क्रीम कलर के फ्लावर्स से डेकोरेट करूंगी बास को। तो आप स्टार्टिंग में आपने फाइनल लुक देखा होगा। ये देखिए मैं स्पॉन्ज की हेल्प से कर रही हूँ। स्पॉन्ज से क्या होता है ना, बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आता है। ब्रश से लाइंस भी आ जाते हैं तो इसके साथ कुछ ऐसे लाइंस आना पॉसिबल सॉरी नहीं आते हैं, तो पॉसिबल हो पाता है कि हम लोग एक स्मूथ टेक्सचर स्पॉन्ज के साथ क्रिएट कर सकते हैं और बहुत फास्ट भी हो जाता है। अभी मैं क्या करूँगी, बॉल सेल्फ जो मैंने बनाए हैं वो मैंने केक के बॉक्स को यूज़ किया था। उसमें मैंने कुछ और भी कार्टून्स के जो बॉक्सेस के जो कट करके उसमें और भी ऐड कर दिए थे ताकि उसको एक मजबूती मिल जाए। और एक तो मेरे पास केक का बॉक्स था और जो दूसरा था वो मेरे पास केक का बॉक्स नहीं था, तो मैंने कुछ कार्टून से बॉक्स कट प्लेट्स कट कट करके कुछ स्क्वायर कुछ कट करके उसमें चिपका दिए थे, तो फिर वो एक बॉल सेल्फ बिल्कुल उसी तरह से क्रिएट हो गया। और दोनों सेम बॉल सेल्फ बना के मैंने उसके ऊपर फिर फ्लावर बास से उसे डेकोरेट किया है। आप भी कर सकते हैं, अगर आपकी दीवार पे कुछ भी डेकोरेट करने के लिए कोई सेल्फ नहीं है ऑलरेडी, तो आप ये बहुत ही कम पैसों में सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन लेंगे तो सेम यही कुछ 400-500 का मिल रहा है, और DIY करके आप बहुत ही कम पैसों में बना सकते हैं। इसमें मेरे सिर्फ 2 चार्ट पेपर यूज़ हुए थे, कुछ फेविकोल लगा था, एक ग्लू गन की ज़रूरत हुई थी मुझे, और येलो अक्रैलिक पेंट वही जो मैंने 20 रुपये लास्ट टाइम की होल्डर पे वेस्ट किए थे वही पैसे जो मेरे इसमें भी काम आ गए, वही कलर, और अभी मेरे पास बचा हुआ भी है। बहुत कम कलर यूज़ होता है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि एक के लिए हम कलर लेंगे, आप नेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं उसको। तो मैंने फिर वही केक के बॉक्स को ब्लैक पेपर से रैप किया और उसे फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर दिया। देन मेरा बॉल सेल्फ मैंने दीवार में उसको डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपकाया। और ये जो कृष्ण जी मैंने इस पे ऐड किए हैं बहुत ही प्यारे से हैं, मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किए थे तो मैंने उन्हें एक बहुत अच्छा प्लेस देने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं मेरा DIY। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।